जैसे गाइस आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा कुछ इस टाइप का नियॉन इफेक्ट वीडियो एडिटिंग, कैसे आप अपने वीडियो में इफेक्ट लगा सकते हो एंड कैसे अपने वीडियो में शेक इफेक्ट डाल सकते हो एंड अपने वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक वॉच करना। और इस वीडियो को हम एडिटिंग करने वाले हैं कैपकट ऐप से, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर में इजी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना। और इसमें हम कुछ ऐसे ऐसे तरीका आपको बताएंगे और ऐसे ऐसे इफेक्ट के नाम बताएंगे जो कि आप लोग को सब वीडियो में लगाना बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है, वो सब इफेक्ट लगाओगे तो एक चुटकी में आपकी वीडियो मस्त हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। दो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, क्विक वीपीएन, ये क्विक वीपीएन आपको डाउनलोड कर लेना है और एक कैपकट ऐप डाउनलोड कर लेना। ओके, सो गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल के डाटा को भी ओपन रखना है। ओके, तो ओपन रख लेने के बाद हम पहले क्विक वीपीएन को ओपन करते हैं। सो गाइस क्विक वीपीएन को ओपन कर लेने के बाद इसको सिंगापुर से आपको कनेक्ट कर लेना है। ओके, और फिर आपको अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पर हम अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लिए हैं, तो कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी वीडियो एडिटिंग करनी है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर ऐड ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पर अपने वीडियो को हम सिलेक्ट कर लिए हैं और सिलेक्ट कर लेने के बाद सबसे लास्ट में आना आपको और ये जो ब्लैक पार्ट है इसको डिलीट कर लेना है। ठीक है, ये लोगो है कैपकट का। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे कैसे आपको शेक इफेक्ट लगाना है, जैसे झिलझिला टाइप का होता है तो उसको लगाने के लिए आपको मान के चलिए इधर पे ऐसे लगाना है। ठीक है, तो इधर पे लगाने के लिए आपको ये कैंची वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको नीचे में, तो इस पर क्लिक करना है और फिर आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर स्प्लिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके बगल में आपको एनिमेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही गाइस आप लोग एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारा आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो ट्रेंडिंग में इफेक्ट है ये वाला इफेक्ट है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर हम लगा दिए, देखो मतलब कितना अच्छा लग रहा है। इधर पे इसे लगा दिए और फिर से इधर पे एक बार स्प्लिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कट करेंगे और फिर से एक और एनिमेशन लगाएंगे, तो उसको भी एक बार और लगा लेते हैं। तो इस बार हम लगाएंगे ये स्विंग राइट वाला जो एनिमेशन है ये वाला, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनिमेशन हम लगा दिए और यहाँ पर एक ऐसे वाला एनिमेशन लगा दिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम एनिमेशन लगा चुके हैं। और गाइस सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हो रही है ब्लर वाला, शुरुआत में आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे जैसे वीडियो ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, ब्लर कैसे होता है, हेलो ब्लर वाला, तो ब्लर वीडियो करने के लिए आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, और गाइस बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग बेसिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हेलो ब्लर वाला, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो ब्लर वाला वीडियो है लग जाएगा, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, जहाँ से इधर तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लर इफेक्ट हो गया और फिर यहाँ से शेक इफेक्ट। और अगर शेक इफेक्ट लग जाने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वो इफेक्ट नियॉन वाला इफेक्ट लगा सकते हो, तो उसको भी लगाना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, सो अगर बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ट्रेंडिंग बॉडी इफेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ इस टाइप से स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये वाला एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना। एंड गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा आपको इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा, ट्रेंडिंग। ठीक है, तो आप लोग कोई भी लगा सकते हो, जैसे हम ये वाला एक इफेक्ट लगा कर आपको दिखा रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये इफेक्ट लग गया है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इफेक्ट लगाना है, सिर्फ इतना ही लेगा तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगाना है। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक लगाने के लिए ये लेयर को पकड़ेंगे और इसको कुछ इस टाइप से इसे कम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से गाइस ये देखो ये वाला इफेक्ट लग गया, और फिर यहाँ से आप दूसरा इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ से देखो इफेक्ट लगाने के लिए फिर से बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और गाइस जैसे ही बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा, तो आप लोग कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। हम गाइस ये वाला इफेक्ट लगा लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इसको भी फिर यहाँ से इसको इधर तक लगा लेते हैं
और इसको लगा लेने के बाद फिर आगे जाएंगे इधर पे, फिर से बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ट्रेंडिंग इफेक्ट मिल जाएगा, तो आपको जो लगाना है आप लोग लगा सकते हो। और आपको हम ट्रेंडिंग इफेक्ट बता दे रहे हैं, आपको ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और गाइस ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पे जा लेने के बाद आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है, इलेक्ट्रिक ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेना है, ये देखो ये भी जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, ये देखो आप लोग ये भी लगा सकते हो। तो यहाँ तक हम लगा दिए, एक बार आपको गाइस वीडियो पूरा प्ले करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो ये शुरुआत में हेलो ब्लर, और यहाँ पे शेक इफेक्ट, फिर यहाँ पर शेक इफेक्ट, फिर यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लग गया है, ठीक है। और फिर यहाँ से मुड़ा बाइक तो ये वाला इफेक्ट लग गया, एंड इसके बाद फिर ये वाला इफेक्ट। तो गाइस बहुत ही ईजी तरीके से हम आपको बता दिया कि कैसे इफेक्ट आपको लगाना है। एंड गाइस इस वीडियो को कैसे आपको हाई क्वालिटी में सेव करना है गैलरी में, तो हाई क्वालिटी में करने के लिए इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको 30 कर लेना है फ्रेम रेट को, और इसको 1080 पे कर लेना है, और फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी जो वीडियो है हाई क्वालिटी में गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके, आई होप गाइस कि आपको एडिटिंग पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एडिटिंग कैसी लगी। बाय गाइस, आप लोग हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, तो जाकर बताना वीडियो कैसा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे कई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।